अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिप्टी इनएक्शन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इमन भट्ट। नाज़रीन, डिप्टी इनएक्शन का ये खसूसी प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की आगाही के लिए कर रही हूं, क्योंकि मुल्क में पिछले 3-4 दिन से जो हालात चल रहे हैं, आम इंसान बहुत ही मुश्किलात का सामना कर रहा है। नाज़रीन, कोई भी मुसलमान चाह कर ये नहीं चाहेगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बारे में बात की जाए, लेकिन दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो नबी पाक की तालीमात के मुताबिक नहीं है। जो कुछ भी दुनिया में चल रहा है, दुनिया जो कि पहले ही मुसलमानों को दहशतगर्द कहती है, उनके इस घिनौने मकसद को पूरा करने के लिए तकवीत देता है और इस्लाम का मनफी रवैया पेश करता है। पिछले 3-4 दिन से भारतीय मीडिया और आलमी मीडिया जो भी रिकॉर्डिंग कर रहा है वो सब मनफी है। रियासत के अमलाक को नुकसान पहुँचाना और पुलिस वालों पर तशद्दुद करना, क्या ये सब ठीक है? रियासती अदारे मुल्क में अमन व अमान कायम रखने के लिए कार्रवाइयां करते हैं, और ये जो तशद्दुद का रास्ता अपना रहे हैं, क्या ये मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं? नाज़िम, माह रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है। ज़माना जाहिलियत में ऐसी हर किस्म की जंगें बंद कर दी जाती थी और हर तरफ एक पुरसकून माहौल होता था, लेकिन अब क्या हम माह रमज़ान के इस बाबरकत महीने में माह रमज़ान के तकद्दस को पामाल करना चाहते हैं? नाज़रीन, हमें एक अमन शहरी होने का सबूत देना होगा। हमें इन तमाम अफरा तफरी में और हंगामों में हिस्सा नहीं लेना होगा। मज़हब इस्लाम हमें एक अमन का दर्स देता है और रमज़ान बारी के इस बाबरकत महीने में हमें चाहिए कि हम एक दूसरे पर पत्थर फेंकने की बजाय एक दूसरे के साथ हंसी खुशी मिलकर रहें और एक दूसरे के साथ अमन से रहें। इसी के साथ अपनी होस्ट इमन भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।